हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे किसी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, वीडियो को कैसे एडिट करते हैं, उसका साउंड कैसे बढ़ाते हैं, ट्रिम कैसे करते हैं, एनिमेशन कैसे लाते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। देखिए, काइन मास्टर की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो बनाया है जिसका बैकग्राउंड ग्रीन है तो आसानी से चेंज हो सकता है जैसा आप चाहें, बहुत आसान है। ग्रीन कर्टेन पे, ग्रीन पर्दे पे अगर आपने शूट किया हुआ है ग्रीन बैकग्राउंड पे, तो आसानी से हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे काइन मास्टर में, और अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो उसका एस्पेक्ट रेशियो होगा 16:9, तो 16:9 में सेलेक्ट करेंगे। अगर अन्य किसी चीज के लिए बना रहे हैं तो एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं तो 16:9 पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, यह बहुत ही आसान है, आसानी से हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी वीडियो जिसका बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं उसका ड्यूरेशन कितना है। देखिए, मेरे पास ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया हुआ 14 मिनट का वीडियो है, तो चूंकि वीडियो 14 मिनट का है तो बैकग्राउंड वीडियो भी 14 मिनट का होना चाहिए, उसको हमको करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, बैकग्राउंड वीडियो के लिए आपको यहाँ पे देखिए काइन मास्टर का एसेट स्टोर है, इसमें बहुत सारे वीडियो फ्री ऑफ कास्ट दिए हुए हैं, उनमें से उनको आपको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, वो आपके वीडियोज में शो करेंगे। ये वीडियोज है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, जैसा आप बैकग्राउंड चाहते हैं उसको इंस्टॉल कर लीजिए, या फ्री ऑफ कास्ट है आसानी से, जिससे संबंधित आप वीडियोज बनाते हैं जैसा आपका काम है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने जो देखिए इसको हम बैक जाते हैं, हमने डाउनलोड चुकी किया है आपको शो कराने के लिए, आपको दिखाने के लिए। या वीडियो में देखिए, या वही मैं बैकग्राउंड जो दिखा रहा था, बैकग्राउंड वीडियो, उसको हमने जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है ये सारे के सारे को, और भी बहुत सारा जो भी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप डाउनलोड कर सकते हैं एसेट स्टोर से। काइन मास्टर का ये एसेट स्टोर है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि मेरे पास जो वीडियो है वह 14 मिनट का है, 14 मिनट का है, तो बैकग्राउंड वीडियो भी 14 मिनट का होना चाहिए। अगर आप किसी एक वीडियो जैसे ऐसे ही बैकग्राउंड अगर आप पूरा कंप्लीट चाहते हैं तो इसी वीडियो को भी आप बढ़ा सकते हैं। इस पे देखिए क्लिक किए, दोबारा भी इस पे क्लिक करेंगे तो यह बढ़ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका हर समय थोड़े थोड़े बाद देर के बाद आपका बैकग्राउंड चेंज होता रहे, तो आप बहुत मल्टीपल वीडियो को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यह बहुत ही आसान है। जितना ड्यूरेशन का आपका वीडियो है उतना ड्यूरेशन का बैकग्राउंड वीडियो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं टच करके जल्दी जल्दी कर देता हूं कि आपका समय ज्यादा ना लगे। 14 मिनट का वीडियो है तो 14 मिनट का हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, यह बहुत ही आसान है। और भी बैकग्राउंड अगर इसके अलावा भी आप चाहते हैं तो एसेट स्टोर से अपने अनुसार बैकग्राउंड वीडियो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यह बहुत ही आसान है। देखिए 14 मिनट का हो गया। अब ये देखिए, एक ग्रीन, जो ग्रीन बोल रहा हूँ, ये रेड जो लाइन है इसके राइट साइड में इसको ले जाएंगे, इसको राइट साइड में आप जो है वो ले जाइए। ये रेड लाइन के भी बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ आगे, इस वीडियो को अंत तक देखिए। ट्रिम करना सीखेंगे, साउंड बढ़ाना सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। अभी हम पहले बताते हैं बैकग्राउंड चेंज के बारे में। देखिए, इस पे सेलेक्ट कर लीजिए इसको, ऐसा बैकग्राउंड स्टार्टिंग में अगर आप चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं तो इसको डिलीट भी यहां से कर सकते हैं और जो है वो दूसरा बैकग्राउंड ले सकते हैं, या पूरा का पूरा आपके ऊपर है, यहां से अंडू कर सकते हैं किसी भी चीज को। ये देखिए, यह ट्रिम करने के लिए यह ऑप्शन है, यह साउंड बढ़ाने के लिए ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें दी हुई है, या हम एक एक करके हम सीखेंगे। सबसे पहले
सीखते हैं बैकग्राउंड चेंज के बारे में। देखिए हमने बैकग्राउंड वीडियोज तो हमने सेलेक्ट कर लिए 14 मिनट से ज्यादा का ही थोड़ा सेलेक्ट किया है, जो अधिक होगा उसको हम ट्रिम कर देंगे, उसको हम हटा देंगे। देखिए तो बैकग्राउंड वीडियो तो हमने कर लिया, अब हम उस वीडियो को लाते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा लेयर का ऑप्शन, ये ऑडियो का ऑप्शन है, ये रिकॉर्डिंग का है, इसमें मीडिया क्या है। तो अभी हमको बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हमने देखिए पहले बैकग्राउंड वीडियो को लेना है, ध्यान देना है, पहले बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जाना है आपको लेयर में। फ्रेंड्स लेयर में जाने के बाद देखिए इतने सारे ऑप्शन है, आप हैंडराइटिंग की तरह लिख सकते हैं, इस पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अभी बैकग्राउंड चेंज करना सीखते हैं। मीडिया पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, मीडिया पे क्लिक करेंगे और आपका वीडियो जहाँ कहीं भी है वहां से उसको जाइए, देखिए ये शेयर फोल्डर में है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यह है मेरा वीडियो जो मैं बता रहा था, करीब 14 मिनट से थोड़ा ज्यादा, ये इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यह मेरे जो है वो बैकग्राउंड वीडियो के ऊपर आ गया फ्रेंड्स। इसको हमको बैकग्राउंड हटाना है, जैसी जरूरत है वैसा आप कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसको, देखिए यह बढ़ जाएगा, पूरे स्क्रीन में आ जाएगा, कम में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जो ध्यान देने वाली बात है कि कैसे चेंज होगा, यह ध्यान देना है। देखिए ग्रीन स्क्रीन है, हम चेंज करेंगे क्रोमा की, ध्यान दीजिए क्रोमा की पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद देखिए यह है इनेबल का ऑप्शन, देखिए मैजिक, इस पे इनेबल पे क्लिक करेंगे आपके वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो गया। अगर आप कुछ और भी इसको बेहतर करना चाहते हैं तो देखिए यह दिया हुआ है 28-50 जो परसेंटेज दिया हुआ है, इसको आगे पीछे आप जो है वो बढ़ा सकते हैं, उसके अनुसार आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, थोड़ा और बेहतर होता जाएगा, या 50 को कर सकते हैं आगे पीछे, देख रहे होंगे आप परिवर्तन, जैसा आप अपने मैनुअली इसको कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं आप परफेक्ट जो है वो इसको कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा आप चाहेंगे उतना उतना बेहतर जो है हो जाएगा, जैसा बैकग्राउंड चाहेंगे वैसा बैकग्राउंड हो जाएगा, बैकग्राउंड जो है वो यह चेंज आप आसानी से बैकग्राउंड आप कर दिए, और जैसा आप विजुअल आप चाहते हैं अपने अनुसार आप इसको ये रेशियो को आप करेंगे मैनुअली तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, कर लेंगे आसानी से आप जो है वो इसको कर सकते हैं, यह बहुत ही आसान है। यह देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया, देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है। और उसके बाद इस पे जो है वो टिक पे जो है वो सही का जो निशान है इस पे हम क्लिक कर देंगे तो यह आपके वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो गया। यहाँ से आप देखिए यह है एसेट स्टोर, यहीं से हमने बैकग्राउंड का वीडियो सिलेक्ट किया था, अभी इसको हम प्ले करके भी देख सकते हैं कि आपका जो जो आपने चेंज किया है बैकग्राउंड वो पूरे वीडियो में हुआ है या नहीं, इस पे क्लिक करिए प्ले पे और ओके करिए, आप देखिए चेंज बहुत कुछ नहीं बदलता, लेकिन सतत लगे रहे तो एक दिन सब कुछ बदल सकता, आप देख रहे होंगे आपको यकीन है तो सब कुछ संभव है। आज बात करेंगे डॉट कनेक्ट के बारे में, डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। देखिए जीवन में कई बार ऐसा कुछ होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही है। फ्रेंड्स आपने देखा कैसे पूरे वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो गया, कितना बेहतरीन लग रहा है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, या पूरे वीडियोज में हो गया है, पूरे वीडियोज में आप देखिए जैसा बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट किया था पूरे वीडियोज में, या देखिए आप देख रहे होंगे कितना बेहतर आपको लग रहा है, ग्रीन स्क्रीन कहीं दिख नहीं रही है, नजर नहीं आ रही है, पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है, आप जैसा चाहें वैसा ला सकते हैं बैकग्राउंड, वैसा कर सकते हैं, यह बहुत ही आसान है, यह आप पूरा का पूरा देखिए, आप इसको हम आपको दिखाते हैं, पूरे वीडियो का चेंज हो गया है बैकग्राउंड जो है, यह बहुत ही आसान है, देखिए कंप्लीट वीडियो का
ड्यूरेशन चेंज हो गया है, अब हम ला देखिए अब फ्रेंड देखिए यह वीडियो थी 14 मिनट की और हमने जो है वो यह जो है वो ज्यादा सिलेक्ट कर लिया था तो जो है हमारा बैकग्राउंड वीडियो अधिक हो गया था, तो उसमें भी आपको चिंता की कोई बात नहीं, वीडियो को भी आप ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, लेफ्ट से कट कर सकते हैं, राइट से कट कर सकते हैं, बीच से स्प्लिट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है। देखिए हमारा बैकग्राउंड वीडियो को कट करना है तो इस पे हम जो है वो टिक करेंगे और यह जो है वो उसके बाद देखिए यह कैंची का निशान आ गया, इस पे आपको क्लिक करना है और देखिए क्या है यह जो रेड लाइन आपको जो दिख रही है इसे बोलते हैं प्लेहेड। अब आपको वो पूछ रहा है कि आप ट्रिम या जो स्प्लिट करना चाहते हैं, अभी हम ट्रिम कर रहे हैं, पहले आपको बताएंगे ट्रिम के बारे में, फिर आप स्प्लिट के बारे में भी जान सकते हैं, स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम सब जानेंगे धीरे धीरे करके, बहुत वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमको भी थोड़ा देखना है। तो देखिए अगर ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड करेंगे तो लेफ्ट साइड का वीडियो कट जाएगा, अगर आप ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड करेंगे तो राइट साइड का वीडियो कट जाएगा। हमने बैकग्राउंड वीडियो को अधिक ले लिया था, ज्यादा ले लिया था, 14 मिनट से ज्यादा हो गया था, तो हमको राइट से कट करना है तो हमारा जो प्लेहेड है उससे राइट पे, तो ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पे करेंगे तो यह देखिए कट गया, कट गया ना, यह चूंकि अलग अलग वीडियो है तो इसको अलग अलग करके भी हम जो है वो इसको कर सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पे हमने लाया और इसको जो है वो कैंची पे किया और आज जो है वो ट्रिम टू राइट अप तो राइट कट जाएगा, अलग अलग वीडियो है तो अलग अलग सेलेक्ट करके आप इसको ट्रिम कर सकते हैं आसानी से उस पे कैंची के निशान पे जाके, और ये इसको आपको ट्रिम कर देना है। इस तरह से आपने फ्रेंड्स देखा ट्रिमिंग के बारे में कैसे हम ट्रिम इसको करते हैं। अब देखिए यह बहुत ही आसान है, लेफ्ट साइड से भी ट्रिम कर सकते हैं जैसी आपकी जरूरत है, इसके प्लेहेड के लेफ्ट में अगर है तो जितना वीडियो आप अगर देखिए यहाँ पर है और इसके पहले का देखिए, जो अब फ्रेंड्स ध्यान देने वाली ये बात है कि नीचे का जो मेरा वीडियो है जो वह पूरा का पूरा एक ही है, तो एक साथ ही वो लेफ्ट पे करेंगे तो पूरा लेफ्ट का गायब हो जाएगा, राइट का ट्रिम करेंगे तो राइट का पूरा गायब हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर का जो बैकग्राउंड वीडियोज है वह अलग अलग है, तो अलग अलग वीडियोज है तो अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा और तब वो जो है वो राइट से आप उसको करें या लेफ्ट से करें जैसी आपकी जरूरत है उसको ट्रिम कर सकते हैं, यह बहुत ही आसान है। देखिए आपका जो वीडियो है उसको भी आप छोटा कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, उस पर सेलेक्ट करेंगे या कैंची का निशान आ गया और कैंची के निशान पे आप टिक करेंगे तो यह आ गया कि ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड, तो यह जो है वो देखिए हमने अपने वीडियो को सिलेक्ट किया है। अब और मैं आपको अच्छे से बताता हूँ एक ये वीडियो को आप बहुत कुछ सीख रहे हैं आसानी से, आप देखिए यह जो है वो यहाँ पे है, अब इसके लेफ्ट में करना है। देखिए मैंने अपना वीडियो सेलेक्ट किया, देखिए पहले अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो देखिए वो ऑप्शन कैंची का नहीं आ रहा है, आप ध्यान दे रहे होंगे लेयर का ऑप्शन आ गया, मीडिया का ऑप्शन आ गया, ऑडियो का ऑप्शन आ गया, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया, लेकिन जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं वीडियोज को तो यह आ गया ऑप्शन जो है वो साउंड का ऑप्शन आ गया, कैंची का ऑप्शन आ गया, क्रोमा की आ गया, तो यह आपको देखना है, ध्यान देना है इस चीज को, छोटी छोटी चीजें बहुत ही जरूरी है। यह है प्लेहेड जैसा मैंने आपको बताया, इसके लेफ्ट से अगर हमको करना है तो आपको लेफ्ट ट्रिम करना है तो सेलेक्ट हमने पहले से ही किया हुआ है, इस पे कैंची के निशान पे जाएंगे और ट्रिम टू लेफ्ट, राइट का मैंने तो दिखाया फ्रेंड्स, लेफ्ट का दिखाते हैं, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड, देखिए आपने ध्यान दिया होगा यह लेफ्ट साइड में जो है वो क्या हो गया, कट हो गया। अगर आपको लगता है गलती से या जो है वो ट्रिम हो गया, हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम राइट से चाहते थे, तो इस कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक आप इसको सही के निशान को टिक नहीं करते हैं तो आप जो है वो इसको
अंडू भी कर सकते हैं। तो अंडू करेंगे तो यह जो है वो हो जाएगा। देखिए यह वीडियो आ गया, अंडू किए तो यह जो है वो जो हम लेफ्ट साइड से ट्रिम किए थे वह आ गया। हम बीच से भी इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं जैसी जरूरत है। अगर देखिए आपको लगता है कि कई बार अगर खुद से आप वीडियो बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप कैमरा ऑन करते हैं तो उस ड्यूरेशन का वीडियो आपको कट करना रहता है, बाद में अंत में जब आप कैमरा ऑफ करते हैं तो आपको उस ड्यूरेशन का वीडियो कट करना रहता है, तो आप आसानी से ट्रिम टू लेफ्ट और ट्रिम टू राइट का कर सकते हैं। अगर आपको बीच में कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें निकल आती है मुझसे या कुछ रिक्वायर्ड नहीं है ऐसी चीजें आप आपके वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है तो उसको भी आसानी से आप स्प्लिट कर सकते हैं, उतने बीच का पोर्शन आप आसानी से निकाल सकते हैं, यह बहुत ही आसान है। इन सब का यूज आप कर करके देख सकते हैं, जैसे ही पूरा करते हैं आपको इसको टिक कर देना है कि आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। देखिए आपने क्या सीखा, ध्यान दीजिए, पहला सीखा बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, उसमें भी आपने यह सीखा कि जैसा बैकग्राउंड चाहते हैं, पहले क्या आपका वीडियो का ड्यूरेशन जितना है बैकग्राउंड का भी ड्यूरेशन उतना ही चाहिए। एक ही बैकग्राउंड अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं बैकग्राउंड में पूरे बैकग्राउंड में आए तो उसी को भी बढ़ा सकते हैं, मल्टीपल बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैस जो आपको पसंद है उस तरह से आप कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, या अंडू रीडू का भी ऑप्शन ये सब दिया हुआ है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसको इसकी सहायता से आप आसानी से कर सकते हैं, पिन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमने अभी सीखा क्या बैकग्राउंड चेंज के बारे में, उसके बाद सीखा ट्रिम के बारे में, वीडियो को छोटा करना है, अगर स्प्लिट भी कर सकते हैं। देखिए स्प्लिट कर सकते हैं, अगर आपको बड़ा वीडियो है उसको आप छोटा करना चाहते हैं, दो भाग में चेंज करना चाहते हैं, मल्टीपल टाइम्स में करना चाहते हैं तो धीरे धीरे उसको भी आप कर सकते हैं। इस पे टिक पे हम क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, देखिए हम वहीं आ गए। अब इसको राइट साइड में ले जाते हैं पूरे को, हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, कितना बढ़िया बैकग्राउंड आया है आप देख रहे हैं। आप देखिए फ्रेंड्स अगर हम कहीं लोगो लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर लिया, हमारा लोगो होगा कंपनी का, वेबसाइट का, हमारे चैनल का, उसका लोगो अगर हम लगाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये लेयर में जाना पड़ेगा आपको, एक लेयर बैकग्राउंड्स का हो गया, दूसरा लेयर आपका जो है हो गया जो आपका वीडियो है उसका लेयर हो गया, तीसरा लेयर हम सेलेक्ट करते हैं हम जो है वो यह जो है वो लोगो का, तो वहीं उसी तरह से जाएंगे मीडिया में और मैं जो है वो आपके लिए यहाँ पे जो है मेरा एक लोगो है लेता हूँ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। यह है मैंने मैंने मैं एक आथर हूँ, मैंने दो किताब लिखी है, पहली सब कुछ संभव है, दूसरी प्रभावी संवाद कला। तो यह जो है मेरी फर्स्ट बुक है उसका लोगो हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं भी लिख रहे इसको ले करके लेफ्ट में राइट में सेंटर में जहां आप चाहें कर सकते हैं। अपने चेहरे को भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, जय जहां आप चाहें वहां पे कर सकते हैं। देखिए इसको लोगो को हम जो है वो छोटा कर रहे हैं, जैसी हमारी जरूरत है उस अनुसार से हम छोटा बड़ा करके रख सकते हैं, स्थान का परिवर्तन कर सकते हैं, जहां हम चाहें वहां पर के लिख सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आप देख रहे होंगे काइन मास्टर का वाटर मार्क आ रहा है, अगर आप परचेज करते हैं तो यह वाटर मार्क नहीं आएगा, लेकिन आप फ्री ऑफ कास्ट यूज कर रहे हैं तो आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका काम होना चाहिए। देखिए हमने बैकग्राउंड भी चेंज कर लिया, हमने जो है वो ट्रिम करना भी सीख लिया, हमने लोगों को भी लगाना सीख लिया, लोगों को बढ़ाना घटाना सीख लिया, स्थान का परिवर्तन करना भी हमने सीख लिया। यह बहुत ही आसान है, आसानी से हम कर सकते हैं यह जो है वो। अब देखिए फ्रेंड्स अब आप जो है
देखिए आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए जो भी पहले जिसको जो जिसमें आपको एडिटिंग करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने इसको सेलेक्ट किया, मैं अपने वीडियो को, इस वीडियो का स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। देखिए आप स्लो मोशन में वीडियो देखते हैं, आप फास्ट करके देखते हैं, स्पीड पे क्लिक करेंगे। स्पीड पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड देखिए यह जो है वो 1:1 जो दिया हुआ है, 1 और क्रास, यह जो है वो यह तो नॉर्मल है आपका। अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं 4 टाइम्स कर सकते हैं, 1 टाइम्स करेंगे तो 1 टाइम्स तो पहले से ही रहता है, 4 टाइम्स करेंगे तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप देखना चाहते हैं तो देखिए, आप 4 टाइम्स पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ या इसकी स्पीड जो है वो कैसी हो गई है। देखिए आप ओके करते हैं और देखिए, देख रहे हैं कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही बढ़ गई है, 4 टाइम्स हो गई है। यही नहीं, आप इसका स्पीड घटा भी सकते हैं। स्पीड पे क्लिक करेंगे और देखिए 1 टाइम फिर से हम कर दिए, देखिए 1 से आगे जाएंगे फ्रेंड्स तो आई स्पीड बढ़ेगी। इसमें मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं, ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं, जो है वो पिच को डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। 1 से आगे जाएंगे फ्रेंड्स तो इसकी स्पीड बढ़ेगी आपके वीडियो का, और 1 से पीछे जाएंगे तो स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड होता है, आपने देखा होगा, आपको वो भी करके दिखाता हूँ। 0.5 पे करते हैं, 0.5 पे ले करके आप जो है वो इसको 0.5 पे सेलेक्ट करके और आप स्लो मोशन में भी वीडियो देख सकते हैं। देखिए आपको हम दिखाते हैं, इस पे करके करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे वो आने लगेगा। देखिए बहुत स्लो बहुत स्लो आ रहा है, तो हम जो है वो फिर हम नॉर्मल, अगर आप देखते हैं कि अगर नहीं अच्छा आ रहा है तो आप नॉर्मल कर सकते हैं स्पीड में जाके, और फिर जो है वो फ्रेंड्स हम जो है वो हमारा जो है वो जो 1 पे था उस पे करके और हमको जो है वो टिक कर देना है और फिर करके देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए एक दिन में बहुत कुछ नहीं बदलता, लेकिन सतत लगे रहे तो एक दिन सब कुछ बदल। देखिए फ्रेंड्स आपने देखा स्पीड को भी कंट्रोल कैसे करते हैं, स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत है, जिस तरह का आप वीडियो बनाते हैं उसके अनुसार आपको लेना है, प्रयोग करना है इन सब चीजों का। क्रॉपिंग का ऑप्शन है, या रिवर्स वीडियोज भी देखते होंगे, एक देखते होंगे मूवीज में कि जो है वो गाड़ी जा रही है आगे फिर वो बैक करके पीछे आती है, रिवर्स, तो आपका वीडियोज भी रिवर्स हो सकता है, या रिवर्स ऑप्शन के लिए है। बहुत सारी चीजें इसमें जो है वो दी गई है। रोटेट के लिए देखिए, आपने आपका वीडियो रोटेट भी हो सकता है, यह भी बहुत ही आसान है। रोटेट पे क्लिक करके आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए पहला है मिररिंग, दूसरा है इसको फ्लिप भी कहते हैं फ्रेंड्स, ये मिररिंग को फ्लिप भी कहते हैं, फ्लिप द वीडियो, और ये रोटेशन है। आप कोई वीडियो आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाद भी आप चाहें तो देखिए, यही जरूरी है, काइन मास्टर की सहायता से आप उस वीडियो को रोटेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं आसानी से, जैसा चाहें आप रोटेट उसको कर सकते हैं। आपको जो है वो देखिए रोटेट करके मैंने आपको दिखाया, फिर से आपको देखिए रोटेट कर दिया, रोटेट आसानी से आप कर सकते हैं, यह बहुत ही आसान है। रोटेट करने के बाद से आप जो है वो इसको टिक कर देंगे। फ्रेंड्स आपने बहुत कुछ सीख लिया, देखिए एक वीडियो में इतना कुछ सीख लिया, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है फिर भी देखिए, या रोटेशन जैसा आपकी जरूरत है वैसा आप रोटेशन कर सकते हैं। और देखिए जो मेन चीज क्या बताना है, यह फ्लिप करना या इसको मिररिंग करना भी कहते हैं, यह भी जो है वो बहुत ही जरूरी है, देखिए इसको सीखते हैं। देखिए फ्लिप करना, देखिए यहाँ पे देख, अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। देखिए फ्लिप करना, यह जो है वो जैसे आप फ्लिप करेंगे वैसे हो जाएगा, फिर
देखिए फ्लिप करना, तो जैसी आपकी जरूरत हो वैसा लेफ्ट करना है या राइट करना है, ऊपर करना है या नीचे करना है, वैसे आप जो है वो फ्लिप कर सकते हैं आसानी से। तो आपकी जैसी जरूरत हो वैसा आप फ्लिप करिए और उपयोग इसका करिए। अब देखिए आपने रोटेशन सीख लिया, मिररिंग सीख लिया है, और जो है वो साउंड के बारे में, देखिए फ्रेंड्स हम बोल रहे थे साउंड के बारे में भी आपको बताना है जो कि जरूरी है। जो भी चेंजेस करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उसके बाद टिक कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स साउंड के बारे में, यह है मेन आपका वीडियो, उस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स देखिए उस पर हम क्लिक करेंगे और उसका हम देखिए, कई बार हम जो है वो हमने एक वीडियो बनाया है YouTube में, देख सकते हैं बोया माइक का कैसे उपयोग करते हैं। उसमें हमने बताया है कि मतलब बोया माइक इतना यूजफुल है कि उसकी सहायता से अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आसानी से आपका आवाज इतना अच्छा रहेगा, क्या करना। फिर भी किसी कारण से आपकी आवाज, अगर जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है उसकी आवाज अच्छी नहीं आ रही है, तो आप जो है वो यहाँ से आवाज जस्ट डबल तक कर सकते हैं। यह आसान है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है कर सकते हैं बिना माइक के ही। अगर आपने वीडियो देखे, मैंने माइक लगाया हूँ, यही है बोया माइक, इसकी सहायता से। मेरे पास और बड़े बड़े माइक्स हैं लेकिन कई बार वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं यूट्यूब वीडियोज के लिए, यह ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए तो हम तो बात कर रहे थे साउंड के बारे में, इस पे क्लिक किए और देखिए यह है साउंड बढ़ाने के लिए, इस पे क्लिक करेंगे वॉल्यूम में और देखिए ऑटो वॉल्यूम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम तो आपको बढ़ाने का बता रहे हैं, तो देखिए अभी 100 पे है, इसको 200% तक ला सकते हैं या थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत है आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं साउंड को। ये आपकी जो नॉर्मल जो साउंड थी पहले रिकॉर्डेड 100 पे थी, इसको आप 200% तक आवाज को बढ़ा सकते हैं और जो है वो पिच को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यह सब कुछ आसान है, यह पिच को भी चेंज करना है और इस पे टिक करेंगे तो आपका 200 मतलब जस्ट दुगना आपका आवाज हो जाएगी। आप जो है वो बिना माइक के भी अगर वीडियो रिकॉर्ड किए हैं तो भी काइन मास्टर की सहायता से आप अपना साउंड बढ़ा सकते हैं, जस्ट डबल कर सकते हैं, पिच चेंज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। इस पे टिक करेंगे तो यह आपकी आवाज बढ़ गई है, आप देख लीजिए। प्ले करके यहाँ से आप देख सकते हैं, प्ले करके ओके करेंगे तो आप... एक दिन में बहुत कुछ नहीं बदलता लेकिन सतत लगे रहे तो एक दिन सब कुछ बदल सकता है। खुद करके देख सकते हैं, उसका आवाज आप खुद महसूस कर सकते हैं, जब खुद करेंगे तो समझ में आएगा। आप देखिए फ्रेंड्स एक बार ध्यान दिए होंगे, लोगो हमने लगाया है लेकिन इसका ड्यूरेशन इतना ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा यह जो है वो पूरे कंप्लीट वीडियो में आए तो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसको आप बढ़ा सकते हैं, तो जितना बढ़ाएंगे उतने में आएगा। तो पूरा कंप्लीट वीडियो में भी आपका लोगो यहाँ देखिए आपका जो है वो यहाँ से बढ़ता है, इसका ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं आसानी से, पूरे में आएगा फिर आपका, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका आने लगेगा। देखिए जो है वो कुछ जो है वो चेंजेज हो गए, वो चला गया वीडियो आसानी से। आप जो है मैं बता रहा था कि आसानी से आप जो है उसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको जो है, देखिए अभी आ गया। देखिए फ्रेंड्स जो है वो यह पूरे बैकग्राउंड में आपका जो है वो, अगर चाहते हैं कि पूरे बैकग्राउंड में यह जो है वो आए तो आप इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से ड्यूरेशन को, और कंप्लीट वीडियो में भी कर सकते हैं, या चाहते हैं कि थोड़े हिस्से में ही आए तो आप वो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। और देखिए आप अपने वीडियो जो आपका मेन वीडियो है या आपका मेन वीडियो है, इसमें चाहते हैं कि आपको सब्सक्राइब का भी जो आता है ना कि सब्सक्राइब का बटन जो है वो हिट करने के लिए, वो सब भी वीडियोज आप जो है वो इसी में जोड़ सकते हैं, जित वीडियोज को और भी
पहले जोड़ सकते हैं सब्सक्राइब बटन को, बाद में भी जोड़ सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। मल्टीपल वीडियोज को आप, मेन वीडियोज भी कई सारे हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड वीडियो भी आपको, तो मैं बैकग्राउंड वीडियो को दिखाया है कि मल्टीपल वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये जो आपका मेन वीडियो है ये, वो उसको भी आप मल्टीपल वीडियो को ऐड कर सकते हैं। अपने जो है वो इसको लोगों को भी बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें संभव है। लेयर में जाके या हेड टेक्स्ट, इस पे आप जो है वो आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए ऑडियो में जाके आप बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर, और जो है वो आगे ऐसे ही आपको बताते रहेंगे। और देखिए जब आपका पूरा काम हो जाता है, पूरा काम हो जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको जो है वो एक्सपोर्ट कर लेना है, सेव हो जाएगा ये आपका वीडियो, और जो है वो आप उसका उसको